आइए हम बात करते हैं नेचुरल मिठाई यानी प्राकृतिक रूप से जो मिठाई तैयार होती है उसका नाम है गुड़। गुड़ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है यदि उसका सेवन सावधानी पूर्वक किया जाए और संयमित मात्रा में किया जाए तो गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे किस तरीके से गुड़ हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले जानिए कि गुड़ में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। गुड़ में पानी की मात्रा 3 से 40%, सुक्रोज की मात्रा 40 से 60%, चीनी की मात्रा 15 से 25%, कैल्शियम की मात्रा 0.30%, आयरन की मात्रा 8.5 से 10 mg तक, फास्फोरस की मात्रा 0.5% से 10 mg तक और प्रोटीन की मात्रा 0.10 से 100 mg तक। विटामिन बी की मात्रा 0.4 से 100 mg के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी 98% इसमें होता है। गुड़ बहुत सारे सोर्सेस से मिलाकर बना होता है जैसे खजूर के गुदे, नारियल के जूस आदि, लेकिन इसे बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग गन्ने का रस का होता है। ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। गन्ने के रस को उबाल कर ठोस बना दिया जाता है। गुड़ में विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। गुड़ के बहुत सारे फायदे हैं। गुड़ एनर्जी बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस करने वाले लोगों के लिए गुड़ बहुत फायदेमंद होता है। गुड़ जल्दी पच जाता है, इसमें शुगर भी नहीं बढ़ती और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। दिन भर काम करने के बाद जब भी आपको थकान हो तुरंत गुड़ खाएं, थकान कुछ ही देर में दूर हो जाएगी। हड्डियों को करें मजबूत। अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो गुड़ आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गुड़ में मौजूद कैल्शियम के साथ फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा रेगुलर गुड़ के एक टुकड़े के साथ अदरक को लेने से सर्दियों में जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होती है। बुजुर्गों को गुड़ की रोटी खाने से काफी फायदा होता है, इसलिए हर खाने में चीनी की जगह गुड़ का सेवन फायदेमंद होता है। आपने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो पकवान बनते हैं उसमें भी गुड़ का उपयोग होता है। गुड़ की एक सुगंध होती है जो बड़ी अच्छी लगती है। आयरन की कमी दूर करता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके सेवन से आयरन की कमी दूर होती है, लेकिन गुड़ ऐसा है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी गुड़ आयरन का एक प्रमुख स्रोत है। यह एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए एनीमिया के शिकार लोगों को चीनी की जगह गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। खासतौर महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत आवश्यक होता है। पाचन क्रिया को बड़ा दुरुस्त करता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ गुड़ में खून को शुद्ध करने के गुण होते हैं। इसमें शरीर के साथ टॉक्सिक सब्सटेंस आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए गुड़ को खाने से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। रेगुलर एक गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ को खाने से पेट ठीक रहता है। इसके अलावा पेट की गैस की परेशानी वाले लोगों को भी समस्या से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए, इससे गैस दूर होता है। गुड़ की तासीर गर्म होने की वजह से इसके सेवन से जुकाम खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। जुकाम के दौरान कच्चा गुड़ खाने से बचें। इसमें चाय में या लड्डू बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गले में खराश के कारण आवाज़ बैठ जाने की समस्या होने पर भी 2 काली मिर्च 50 ग्राम गुड़ के साथ खाने से यह समस्या दूर हो जाती है। जिन महिलाओं या लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पेट दर्द होता है उनके लिए गुड़ काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। गुड़ आके पाचन को सही रखता है, इसीलिए पीरियड्स के दौरान गुड़ खाने से दर्द कम होता है और ये शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। त्वचा के लिए, जहाँ त्वचा के लिए बड़ा गुणकारी होता है, गुड़ स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह आपके स्किन को हेल्दी और अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है। गुड़ खाने से खराब टॉक्सिन को दूर करने में मदद करता है, जिससे ब्लड साफ हो जाता है, जिससे आपकी त्वचा चमक आ जाती है। साथ ही मुहासे और झुर्रियों की समस्या भी दूर होती है। अस्थमा में फायदेमंद। अस्थमा के दौरान भी गुड़ के खाने की सलाह दी जाती है। गुड़ शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और इसमें एंटी एलर्जिक गुड़ों के कारण इसका सेवन अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। साथ ही अब ये तो अलग बात होगी, ये तो फायदेमंद वाली बात होगी, लेकिन गुड़ खाने के नुकसान भी हैं। मतलब गुड़ खाने के ऐसे नुकसान नहीं है यदि आप सही तरीके से खाएं, लेकिन इसके नुकसान को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गुड़ मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसको ज़्यादा खाने से इसका नुकसान भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसलिए हमेशा इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि इससे शुगर बढ़ने का खतरा रहता है, साथ ही वजन बढ़ने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अगर गुड़ को ठीक तरह से तैयार नहीं किया गया है तो उसमें अशुद्धता रह जाती है। इस वजह से इसको खाने से आंतों में कीड़े पनपने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही गुड़ से एलर्जी भी होती है। कई बार ज़्यादा सेवन से एलर्जी होती है। इस पे नाक बहना, उल्टी, सर्दी, खांसी, सिरदर्द जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। अन्य समस्याएं हैं जैसे डायरिया की समस्या बढ़ सकती है। कुछ लोग ताजे गुड़ के सेवन के बाद कब्ज होने की शिकायत भी करते हैं। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए नाक से खून निकलने की भी शिकायत हो जाती है। इसीलिए गर्मी में गुड़ का ज़्यादा सेवन करने से नकसीर की समस्या हो सकती है।
जब भी गुड़ का सेवन करें इन बातों का ध्यान रखें, फायदेमंद तो है ही है लेकिन यदि उसको सीमित मात्रा में आप लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।